हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी। इस वक्त मैं हूँ चेन्नई के रेलवे स्टेशन में। आज सुबह ही हम लोग चेन्नई पहुँचे और दिन भर चेन्नई का कुछ प्लेसेस में विजिट किए और उसका शाम को अपने रूम में आ गए हैं। और हमने सुबह रायपुर से निकलने के पहले ही यहाँ पर हमने रिटायरिंग रूम ऑनलाइन बुक कर लिए थे और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। रेलवे के ऐप द्वारा ऑनलाइन बुक किया जा सकता है और काफ़ी चीप रेट में पड़ता है ये। अभी मैं रेलवे स्टेशन में हूँ, आपको थोड़ा रेलवे का नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ का। यहाँ पर इंड हो जाता है, यहाँ से रेलवे लाइन खत्म। और ये है रिटायरिंग रूम का लॉन, ये हमें रूम नंबर 8 मिला हुआ है जो कुछ इस तरह से है। ये डबल बेड का रूम है, इसमें 3% अलाउड है, मात्र 800 रुपये के लगभग में ये रूम मिल गया। एसी रूम है। कबर्ड वगैरह भी है। ये इधर वॉशरूम अटैच लेट बाथ, इधर ओनली वॉशरूम है। ऐसे ही दूसरे रूम भी है, कुल 4 रूम लिए हैं। ये रूम नंबर 7 है, 6 है और इधर 5, ये रूम नंबर 5। ये देखिए यहाँ पर ये वेटिंग हॉल है, पैसेंजर्स काफ़ी मात्रा में अपने ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ये इधर रिटायरिंग रूम के कुछ चार्जेस बता रहे हैं, डबल बेड 2+1, 2+2। ये इनका वेबसाइट दिख रहा है, www.irctc। ये देखिए चेन्नई का रेलवे स्टेशन। उनके इंटर ट्रेन के लिए भी काफ़ी बड़ी LCD लगी है और वहाँ पर उसमें रेलवे की जानकारी पता चल रही है।
यहाँ पर लेडीज डॉर्मेट्री भी है और जेंट्स भी है, जनरल डॉर्मेट्री भी है, अवेलेबल है। ये लिखा हुआ है। और हमने जो रूम लिए हैं वो सामने में दिख रहे हैं, चार रूम हैं। अगर आप ऑनलाइन रूम बुक नहीं करते और यहाँ आने के बाद रूम ढूंढते हैं तो संभवतः रूम मिलने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए आने से काफ़ी पहले जब आप टिकट बुक करते हैं उसी वक्त पीएनआर के ज़रिए आप रूम बुक कर सकते हैं। वॉशरूम कुछ इस तरह से है, गीजर वगैरह भी लगा हुआ है, ठीक ठाक है। 800 रुपये में 3 लोगों के लिए मिला है, क्या बुरा है। एक यहाँ पर दिया गया है एक ही रूम में, चलिए अब अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए जय साईं राम, जय माता दी।